मध्य प्रदेश के राज्यपाल इन दिनों 3 दिवसीय रीवा दौरे पर हैं और इस दौरान आज अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा का नवम दीक्षांत समारोह पंडित शंभुनाथ शुक्ला सभागार विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि कुलाधिपति एवं राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने समारोह में 80 सफल विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। समारोह में 64 विद्यार्थियों को उत्कृष्ट सफलताओं के लिए पदक प्रदान किए गए। राज्यपाल श्री पटेल ने समारोह में विश्वविद्यालय की वार्षिक पत्रिका दीक्षा तथा शोध पत्रिका विघ्न भारती का विमोचन किया। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि दीक्षांत समारोह जीवन के उद्देश्यों के संकल्प का अवसर है। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि व्यक्ति जन्म से नहीं अपने कर्मों और ज्ञान से श्रेष्ठ बनता है। विद्यार्थी को ज्ञान का मांग बनाने के लिए आचार तथा गुरु दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भगवान भी जब इस धरती पर अवतार लेते हैं तो उन्हें गुरु से ज्ञान प्राप्त करना होता है। समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कई विद्यार्थियों ने शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में अपना विशेष स्थान बनाया है। विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री जी की इस नई शिक्षा नीति को तत्परता से लागू किया। समारोह में मुख्य वक्ता मुकुल कानिटकर ने कहा कि प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के बाद ही आनंद की प्राप्ति होती है। विद्यार्थी को कठिन परीक्षा से गुजरने के बाद ही सफलता मिलती है। हमें सफल होने के साथ साथ सार्थक बनना चाहिए। हमारे जीवन का जब उद्देश्य स्पष्ट होगा तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। इस अवसर पर हमने अपने सभी विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल हमने अपनी उपलब्धियों से अपना जीवन का भी मार्ग प्रशस्त करने का संकल्प लिया और विश्वविद्यालय को गौरवान्वित किया है। मेरी अपनी ओर से दीक्षांत समारोह के इस पावन पर सभी को बधाई और उम्मीद कर रहे हैं कि नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में अब हिंदी में अभी बहुत सारे नए कोर्स हमने खोले भी और आने वाले समय में खोलने जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति को लागू करते हुए खास करके यहाँ टूरिज्म का माइनिंग के और अनेक अनेक प्रकार के इंडस्ट्रियों का एक तरह से सतना में और बाकी जगह जो बेल्ट बन रहा है इसके बलबूते पर जिन बच्चों को विद्यार्थियों को जैसे ही शिक्षा ग्रहण करे उनको अपने अपने कोर्स के माध्यम से सर्विस मिले या वो अपना स्वयं का व्यवसाय चालू करे एक तरह से इस अभियान में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो नई शिक्षा नीति हमने लागू करी उसका लाभ हम सब उठाएं। इस नाते से हमने प्लेसमेंट अधिकारियों की नियुक्तियाँ भी करी है, प्लेसमेंट की दृष्टि से अभियान भी चला रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि दीक्षांत समारोह का भी जो लंबे समय से काफ़ी गेट क्लियर हो जाते थे आज की स्थिति ये बनी कि हम दीक्षांत समारोह भी लगातार हर विश्वविद्यालय का प्रतिवर्ष जो कल्पना की गई थी माननीय महामहिम भी समय दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो हमारी 16 यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट की इसके अलावा 40 विश्वविद्यालय हमारे प्राइवेट 40 ही विश्वविद्यालय निजी विश्वविद्यालयों को भी हमने इस तरह से निर्देश जारी किए कि वो प्रतिवर्ष दीक्षांत समारोह कराए। इसके साथ साथ जो भारतीय वेशभूषा के अंदर जो दीक्षांत का आनंद की वो भी आप महसूस कर रहे होंगे कि हमारा अभी जो पाश्चात्य तरीका था उसके बजाय भारतीय परिवेश पहन करके भारतीय भाषा में संकल्प कराते हुए राष्ट्रभाषा को प्रोत्साहन देने का जो अभियान चलाया है मेरी अपनी ओर से आज के अच्छे कार्यक्रम की अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश रीवा से विजय त्रिपाठी की रिपोर्ट।